देखिए, मुझे जहां तक याद आ रहा है 20 अक्टूबर 1990 का दिन अलीगढ़ के लिए बड़ा एक ऐतिहासिक दिन था, जी जिसमें घर घर से अयोध्या जाने के लिए आह्वान किया गया, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम जन्मभूमि का। के और एक आंदोलन नहीं था, एक संघर्ष की गाथा के साथ जो आंदोलन था, जी जो जज्बा था प्रभु श्री राम का मन मन में, जो जज्बा था। जी हम लोग यहाँ से, कुछ लोग अयोध्या पहुंचने में सफल हुए, कुछ लोग यहाँ से कोई ट्रेन के रास्ते से, कोई बस के रास्ते से, कोई पैदल रास्ते से, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल के रास्ते से। और आपने जैसा देखा होगा, आदरणीय पूज्य अशोक सिंघल जी जी मोटरसाइकिल से फिर यहाँ से पहुंचे। लखनऊ हाँ तक गए। जो हाँ तो जी उस बाल्यकाल में जिस स्थिति से हम लोग वहां तक पहुंचे, अयोध्या के प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए और उसके बाद अलीगढ़ लौटे, मैं समझता हूँ जिंदगी का सबसे जी एक ऊर्जावान दिन मान लीजिए, या जिंदगी का सबसे ऊर्जावान दिवस मान लीजिए, वो अयोध्या धाम। केवल अयोध्या का धाम नहीं है, पूरे भारतवर्ष का धाम है, पूरे विश्व का धाम है और पूरे सनातन धर्म का धाम अयोध्या में प्रभु श्री राम नगरी के रूप में हम लोग देख रहे जी हैं। 22 जनवरी को रामलला भव्य भवन में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में पूरे देश में उत्सव का माहौल है, ऐसे में पूरे देश में आनंद का माहौल है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन में बहुत सारे ऐसे राम सेवक थे, कार सेवक थे, राम भक्त थे, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी थी, अपना सब कुछ राम मंदिर के लिए न्योछावर कर दिया था। देश की हर गली, देश का हर मोहल्ला राममय हो गया था। आज एक ऐसे ही राम भक्त से आप सबको मिलवाने आ रहे हैं, जो 1990 के दशक में जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था तो जन जन को जगाने का काम कर रहे थे। वो राम को कैसे देखते हैं, किस पर्याय में राम को की स्तुति करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले जरा देखिए, यहां पर अगर आते हैं भवन में या उनके मकान में आते हैं तो फिर चारों तरफ आपको राममय वातावरण दिखाई देगा। कहीं पर देशभक्त दिखाई देंगे, कहीं पर संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का दर्शन होता हुआ दिखाई देगा। यानी देश के वो कर्णधार जिन्होंने राम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, कुर्सी छोड़ दी, लेकिन राम को के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यानी देश के वो कर्णधार जिन्होंने कुर्सी छोड़ दी लेकिन राम को नहीं छोड़ा, ऐसे पूज्य बाबूजी कल्याण सिंह जी भी यहां पर है। तो आप सब समझ सकते हैं कि यहाँ का वातावरण पूरा राममय है। तो आइए ऐसे ही राम भक्त का आपको दर्शन कराते हैं, जिनके रोम रोम में राम बसे हैं। संवाद टीवी के राम भक्त वंदन कार्यक्रम में आज हमारे साथ में हैं कोल विधायक आदरणीय अनिल पाराशर जी, जो राम भक्त हैं और 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन में जन जन को जगाने का काम कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। कैसा वो माहौल था 1990 के दशक का, जब पूरा देश जो है राममय हो गया था। सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के चरणों में दंडवत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस जी समय सन 1988 की बात होगी, बीएससी में हम लोगों ने ग्रेजुएशन एडमिशन लिया और 89 में प्रभु श्री राम जी का जी एक रथ यात्रा के माध्यम से जी जब आंदोलन की शिला शुरुआत पूजन हुई, तो मैं समझता हूँ बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के जन्मभूमि काम का एक ऐसा अकल्पनीय माहौल उस समय अगर देखा जाए, तो मैं समझता हूँ उस समय की जो अनुभूति हमें प्राप्त हुई होगी, वो अनुभूति ऊर्जा के साथ साथ आज परिणति में बदली है। मैं जी अपने आप में एक ऐतिहासिक जो अच्छा, दृश्य वो था वो ऊर्जा आज परिणति में बदली बदली है, है। जो त्याग समर्पण जी। बलिदान। और विशेषकर जी 1989 के बाद जब 90 का दौर शुरू हुआ, जी और 90 में जो घर घर से श्री राम शिला एकत्रित हुई, श्री जी राम ज्योति का घर घर जाना हुआ, उसके बाद अयोध्या का कूच हुआ और अयोध्या के लिए जब कार सेवा का माहौल बनना शुरू हुआ, मैं समझता हूँ जी वो दृश्य भी अकल्पनीय दृश्य था। जी बच्चे बच्चे के मन में जिस तरह की ऊर्जा, जिस तरह का प्रभु श्री राम को लेकर एक जी आत्मसात करने वाला जो भावपूर्ण दृश्य था, अपने जी आप में अकल्पनीय दृश्य था। जी और मैं अलीगढ़ की जहां तक बात करूं, क्योंकि 89 में ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद में मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया और एलएलबी के साथ साथ समाज सेवा के साथ जुड़ाव रहा, छात्र राजनीति के भी हम लोग उस समय हिस्सा थे, विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। और उस समय का जो वातावरण था, चाहे रात को कोई भी जागरण का कार्यक्रम हो, चाहे रात में घर घर सूचनाएं पहुंचाने का काम पहुंचाने का हो, माध्यम हो। चाहे दीवार लेखन का काम हो, जी चाहे श्री राम ज्योति को एक दूसरे से पहुंचाने का जी काम हो, और श्री राम ज्योति के आगमन पर जिस तरह का प्रतिबंध हमने देखा, अच्छा और जिस तरह से गोपनीय तरीके से रात को 11-12 बजे ज्योति, मैं जी समझता हूँ खिरनी गेट पर एक आवास में लाई गई जी और वहां के आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय खिल्लूमल जी, आदरणीय शांतिशोर महेश्वरी जी, अलीगढ़ के जो कर्णधार थे, उनके नेतृत्व में
एक संघर्ष की यात्रा के साथ, संघर्ष की गाथा के साथ श्री राम ज्योति का और श्री राम का जो आंदोलन का आगाज था अपने आप में एक अविस्मरणीय एक दृश्य था। और वो जो यादें हैं मैं समझता हूँ आज वो यादें हमारी परिणाम में बदल रही है, परिणीति में बदल रही है। इससे बड़ा हमारे लिए खुशी के लिए सनातन धर्म के लिए क्या हो सकता जी। उस समय सूचना तंत्र बहुत मजबूत नहीं था, सोशल मीडिया था नहीं, मोबाइल थे नहीं, तो कैसे लोग लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में एकत्र हो जाते थे? देखिए अलीगढ़ या हरिगढ़ जिसको हम लोग हरिगढ़ बोलते हैं, अपने आप में एक हरि का वास था। अच्छा, आदरणीय पूज्य अशोक सिंघल जी यहाँ के नेतृत्व करता थे, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और मैं समझता हूँ कि माननीय चाहे कृष्ण गोपाल जी जो सरसंचालक जी हैं हमारे, सह सरसंचालक जी हैं, चाहे आदरणीय दिनेश जी हों, छोटे दिनेश जी हों, बड़े दिनेश जी हों, मतलब अनेकों ऐसे प्रचारकों का केंद्र अलीगढ़ था। और जिसमें कहा जाए अतिशयोक्ति नहीं होगी, उस समय का जो आंदोलन का केंद्र था वो पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ हरिगढ़ भी उस आंदोलन का केंद्र था। और उसी के कारण हम जैसे युवाओं को अनेकों आंदोलनों में जाने का मौका मिला, अनेकों सूचनाओं के आदान प्रदान में जाने का मौका मिला और मार्गदर्शन भी ऐसा मिला। उसी का परिणाम है कि हम लोग सनातन धर्म को हरिगढ़ के माध्यम से मजबूत करने में लगे और सनातन धर्म के माध्यम से हम सब लोग यहाँ तक पहुंचे जी। 1990 में गोली चली, कोठारी बंधु बलिदान हो गए, बहुत सारे कारसेवक बलिदान हो गए, पुलिस की बहुत सख्त कार्रवाई थी, लाठियां बरस जाती थी, कार्रवाई हो जाती थी, ऐसे समय में आप लोग कैसे काम करते थे? देखिए मुझे जहां तक याद आ रहा है 20 अक्टूबर 1990 का दिन अलीगढ़ के लिए बड़ा एक ऐतिहासिक दिन था जी, जिसमें घर घर से अयोध्या जाने के लिए आह्वान किया गया, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और एक आंदोलन नहीं था, एक संघर्ष की गाथा के साथ जो आंदोलन था, जो जज्बा था प्रभु श्री राम का मन मन में, जो जज्बा था जी। हम लोग यहाँ से कुछ लोग अयोध्या पहुंचने में सफल हुए, कुछ लोग यहाँ से कोई ट्रेन के रास्ते से, कोई बस के रास्ते से, कोई पैदल रास्ते से, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल के रास्ते से। और आपने जैसा देखा होगा आदरणीय पूज्य अशोक सिंघल जी, मोटरसाइकिल से यहाँ से लखनऊ तक गए। जो उसके बाद जो हमारी युवा वाहिनी थी, हमारी वीरांगनाएं थी, उस तरह दुर्गा वाहिनी थी, अपने अपने तरीके से यहाँ से जब कूच किया, माहौल बनाने का काम किया, तो अलीगढ़ में अस्थाई जेल एक बनाई गई। वो अस्थाई जेल वर्तमान में कृष्णांजलि नुमाइश मैदान का जो एक बड़ा सभागार है उसमें सब लोगों को पहले वहां बंद किया गया। उसके बाद वहां से 107/16 चालान होने के बाद में कुछ लोगों को अलीगढ़ की जिला जेल भी भेजा गया। उसमें से मैं भी एक बाल काल का स्वयं सेवक था और हमारे मन में प्रभु श्री राम की आस्था कूट कूट के भरी हुई थी। और वहां से हम 2 दिन बाद जी, क्योंकि छोटी उम्र होने के कारण हम लोगों को जल्दी वहां से रिहा किया गया था। उस समय का मुझे जहां तक याद आ रहा है, हमारे साथ अपने आदरणीय सत्यदेव शर्मा जी थे, पंडित गजेंद्रपाल शर्मा जी जो जीपी शर्मा जी अपने प्रोफेसर थे धर्मशास कॉलेज में, वो भी थे, आदरणीय शांति शर्मा महेश्वरी जी थे, कुडुमा सिंधी जी भी थे। एक झलक, स्वप्न टाइप का झलक वहां का 2 दिन का जो माहौल देखा मैंने, कच्ची बैरकें थी पिछले हिस्से में देखा जाए, जेल परिसर आज तो नवनिर्माण की स्थिति में है, पहले पीछे का हिस्सा कच्चा जेल में था जी। तो कच्ची जेल में हम लोग रुके, पूरी बैरक हमारे लिए खाली कराई गई थी। और 2 दिन वहां रहकर अपने बुजुर्गों के सानिध्य में रहकर प्रभु श्री राम का गुणगान करने का भी मौका मिला और प्रभु श्री राम के आंदोलन को धार देने का भी मौका मिला। और उसके बाद हम सब लोग छूट कर आए और 1993 में आप सब लोग देखते हैं आदरणीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और पूरा उसके बाद सबसे ऐतिहासिक जब सरकार बनी हमारी जी, तो हमको, मुझे आज भी ध्यान है कि हमारे जो विधायक थे आदरणीय स्वर्गीय कृष्णलाल दिलेर साहब अलीगढ़ से विधायक थे, अपने चौधरी महेंद्र सिंह जी खैर से विधायक थे, और अपना एक उस समय का माहौल आदरणीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हम सबको अयोध्या दर्शन के लिए यहाँ से भेजा गया। और अयोध्या हम लोग सैकड़ों बसों के साथ, मैं समझता हूँ उस समय का जो दृश्य था, बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में था, वहां रैली थी और रैली के बाद हम सबको वहां से अयोध्या दर्शन के लिए भेजा गया था। बाद में लौट के हम सब लोग लखनऊ में भी एक रात के लिए लोग रुके थे। मतलब कहने का आशय है कि उस बाल्यकाल में जिस स्थिति से हम लोग वहां तक पहुंचे, अयोध्या के प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए और उसके बाद अलीगढ़ लौटे, मैं समझता हूँ जिंदगी का सबसे एक ऊर्जावान दिन मान लीजिए या जिंदगी का सबसे ऊर्जावान दिवस मान लीजिए, इतनी छोटी उम्र में हम सबको वो सीन देखने को मिला। और वो सीन ही नहीं, आज उस दृश्य को, उस आंदोलन को परिणीति में बदलते हुए, परिणाम में बदलते हुए, प्रभु श्री राम को बरसते हुए अयोध्या धाम में हम सब लोग देख रहे हैं। वो अयोध्या धाम केवल अयोध्या का धाम नहीं है, पूरे भारतवर्ष का धाम है, पूरे विश्व का धाम है और पूरे सनातन धर्म का धाम अयोध्या में प्रभु श्री राम नगरी के रूप में हम लोग देख रहे हैं। छात्र जीवन था, पुलिस की कार्रवाई, लाठी, इन सबसे डर नहीं लगता था? देखिए 2 तरह के माहौल थे उस समय।
जी। एक आस्था का ज्वार भी मन में था जी, और दूसरा परिवार का, घर वालों का, समाज का एक जो एक स्थिति होती है वो भी दुराई पर हम लोग थे। लेकिन प्रभु श्री राम की आस्था में समझता हूँ, अनेकों ऐसे मैंने उस समय के लोग देखे जिनकी जिंदगी कांग्रेस में निकल गई होगी, अन्नादल में निकल गई होगी, लेकिन प्रभु श्री राम के काज जब परिणति बदलने का समय आया, आंदोलन का समय आया, वो सब लोग अपना घर बार छोड़ के हमारे हिंदू समाज के जो हिंदू संगठनों के लोग तो थे ही थे, अनेकों ऐसे लोग उस समय अपने मन में से विभिन्न दलों का चोला छोड़कर हमारे साथ आ गए थे जो अकल्पनीय आंदोलन के रूप में बदला हमारा। और उन्होंने, हम भी छात्र राजनीति में थे, बीएससी करने के बाद एलएलबी में एडमिशन लिया हम लोगों ने, लेकिन एक डर भी था मन में जी। जिस तरह का एक मजाक हम लोगों का उड़ाते थे लोग के, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, हम लोगों का नारा होता, लेकिन कुछ विरोधी लोग भी तंज कसते थे हमारे ऊपर कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, स्थान नहीं बताएंगे, इस तरह का व्यंग भी होता था। और तरह तरह के कुछ भेदिया भी होते थे हमारे बीच में उस समय, जो आंदोलनों की स्थिति को बताने का काम करते थे। लेकिन पुलिस की दबिश भी रात को घर में पड़ती थी, तो हम सब लोग अपने अपने तरीके से बचने बचाने का काम करते थे। सूचना तंत्र व्यक्तिगत होता था, अच्छा, और इतना सटीक सूचना तंत्र होता था, किस स्थान पर एकत्रित होना है, किस स्थान पर हमको चलना है, कितने बजे हमको मिलना है, वो सारी चीजें बुजुर्गों के, अपने जो हमारे आंदोलन के नेतृत्व करता थे, उनकी जज्बा और उनकी उम्र के हिसाब से उनका जो अनुभव था, मैं देखते ही मतलब उन लोगों के जो निर्णय होते थे वो निर्णय सटीक निर्णय होते थे, और उस निर्णय को हम अंतिम धार तक ले जाने का काम करते थे। चाहे कोई भी काले झंडे दिखाने का काम, एक बार मुलायम सिंह जी नवासी के दौर में आए तो सराय हकीम में आपने देखा होगा किस तरह का काले झंडे दिखाने का उनका कार्यक्रम किया गया। और मौलाना मुलायम सिंह नाम भी अलीगढ़ से नाम दे दी, अच्छा, अलीगढ़ से ही मौलाना मुलायम सिंह नाम जो पड़ा वो अलीगढ़ की देन थी। जिस तरह से कार सेवकों का एक जघन हत्याकांड उनके नेतृत्व में किया गया था, पूरी सरकार तो हरिगढ़ घोषणा मिली थी, और हरिगढ़ के माध्यम से ही उनको मौलाना मुलायम सिंह का नाम मिला था। हरिगढ़ क्रांतिकारियों की जमीन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, चाहे नुमाइश मैदान में आजम खान को काले झंडे दिखाने का विषय रहा हो, मुलायम सिंह को सराय हकीम में काले झंडे दिखाने का विषय रहा हो, उस समय का जो युवा था वास्तव में घबराने वाला युवा नहीं था, ऊर्जावान था, संघर्षवान था, और एक नेतृत्व को परिणाम देने वाला युवा था। ऐसे युवाओं को, समस्तकों में आज के दिन नमन करना चाहूंगा, उनकी दिलेरी के लिए उनको सलाम करना चाहूंगा। जिस देश की सुबह राम से होती है, शाम राम से होती है, उसी देश में राम को कुछ लोग नकार देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राम सेतु भी नहीं है, काल्पनिक है। देखिए जी, आपने वो आंदोलन भी देखे, प्रभु श्री राम सेतु का आंदोलन भी देखा आपने जी, किस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने उस आंदोलन को सत्यता में बदला। उसके अलावा आपने जो लोग नकारते हैं प्रभु श्री राम को, अच्छा, मैं तो दावा देता हूँ नकारने वालों को उनके घर जाकर देख लीजिए। अच्छा, जीवन की पहली सांस जी, जीवन की पहली सांस उनकी प्रभु श्री राम से शुरू होती है, और अंतिम सांस भी प्रभु श्री राम के साथ अंतिम यात्रा में साथ होती है उनके। जो लोग नकारने वाले हैं, राजनीतिक कारण कोई भी हो सकता हो, लेकिन उनके दिल में, उनके मन में प्रभु श्री राम जीवित हैं और रहेंगे। और निश्चित रूप से मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, ये सनातन का कार्य है, प्रभु श्री राम का कार्य है, सनातन का इतिहास विश्व का सबसे पुराना इतिहास है, हिंदू समाज का इतिहास सबसे पुराना इतिहास है, प्रभु श्री राम का इतिहास भी देखा जाए तो मैं समझता हूँ इस सनातन में सबसे पुराना इतिहास अगर देखा जाए, प्रभु श्री राम ने जिस तरह त्रेता युग में अपना पूरा जीवन जिया, और आज उनको मैं समझता हूँ जिसमें सनातन धर्म का इतिहास अगर शुरुआत हुई होगी, आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम उनको जो दिया गया है उनके जीवन चरित्र के आधार पर दिया गया होगा। और हर व्यक्ति चाहे सनातन मानने वाला हो चाहे न मानने वाला हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राजनीतिक कारण तो उनके हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार में अपनी बेटी को, अपने पुत्र को, अपने संतान को प्रभु श्री राम के रास्ते पर चलाई मार्ग पर चलने का वो प्रेरणा भी देते होंगे, और ऐसे संस्कार की कामना करते होंगे हम हमारे संतान में, हमारे वंश में, हमारे आगे आने वाले संतान में प्रभु श्री राम का चरित्र जरूर है जी। तो एक नई बहस आप छेड़ देंगे, फिर तो लोग देखने लगेंगे कि जो राम पर कह रहे हैं, कहने वाले थे, उनके घरों पर जाकर अरे निश्चित रूप से देखिए आप जी, जो आरती होती है उनके घरों में पूजन पाठ, चाहे श्री रामचरित मानस का पाठ होता है, चाहे सुंदर का पाठ, सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, क्या ये श्री राम के अस्तित्व से अलग है क्या जी? लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनीतिक कारणों से हमने प्रभु श्री राम को जिस तरह का एक समय लगा उनको अयोध्या में वास करने में, अयोध्या में स्थापित होने में, मैं समझता हूँ उनको केवल अपने एक श्राप तो लगा ही लगा प्रभु श्री राम का उनको, अच्छा, और आपने देखा भी होगा
कि जिन्होंने प्रभु श्री राम को नकारने का काम किया होगा, देश की जनता ने उनको नकारने का काम किया, आज वो सब हाशिए पर खड़े हैं और प्रभु श्री राम के मानने वाले, चाहे आज सनातन धर्म की आस्था वाले हों, प्रभु श्री राम की आस्था वाले हों, हिंदुत्व का मानने वाले हों, आज पूरे देश में सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जी, एक वर्ग ये कह रहा है कि प्रभु राम अयोध्या नहीं, भारत नहीं, विश्व के राजा राम हैं। देखिए, निश्चित रूप से कहना चाहिए, प्रभु श्री राम का जीवन जिस तरह का चरित्र रहा, जिस तरह का जीवन रहा, जिस तरह का उनके काम रहे, आप सोचिए, आप कल्पना करिए, जिस प्रभु श्री राम ने अयोध्या से जाकर वनवासी गिरवासियों को एकत्रित किया हो और उनके माध्यम से एक जो अन्याय की लड़ाई थी, ये माता सीता की लड़ाई नहीं थी केवल, एक तरह से श्रीलंका में या लंका में, उस समय तत्कालीन लंका में जिस तरह का रावण का आतंक था, या कहना चाहिए समाज विरोधी लोगों का जो आतंक था, उसको प्रशय देने का जो काम किया था रावण ने, उसको अंत करने का काम प्रभु श्री राम ने किया और सत्य के मार्ग पर चलकर उन्होंने लंका से, मैं समझता हूँ, पानी भी नहीं पिया होगा, मैं कह सकता हूँ यहाँ से। अच्छा, हाँ, जिस तरह की पूरे गिरवासी और वनवासियों को लेकर अपने उस अन्याय की लड़ाई को समाप्त करके और वहां का जो राजपाट था वो राजपाट उसी के वंशज को दिया, रावण के वंशज को दिया। अच्छा। चाहते तो अपना कोई व्यक्ति वो बिठा सकते थे और तेरा तुझको अर्पण की कहानी को साकार करते हुए और अपने उनको वहां पर रावण को उसके वंशजों को देते हुए उनको राम पाठ लंका का पाठ सौंपने के बाद में, लंका का पूरा राज सौंपने के बाद में, विभीषण जी का तिलक करने के बाद में माता सीता के साथ अयोध्या में लौट के आए। और कोई राजा होता क्या करता, वो लंका को अपने आदित्य में लेता, लंका के बाद और किसी राज्य को लेते और किसी राज्य को लेते और पूरे विश्व में अपना आधिपत्य जानने का प्रयास करते, लेकिन प्रभु श्री राम को इसलिए मराया था, पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। मैं समझता हूँ कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले को प्रभु श्री राम कहा गया होगा, सनातन धर्म के खिलाफ लड़ने वाले को प्रभु श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम दिया गया होगा, और निश्चित रूप से वही आज हमारे संस्कार है, वही हमारा जीवन है, वही हमारे प्रभु श्री राम है, वही हमारा सनातन है। आज हम सब लोग मिलकर प्रभु श्री राम को अपने जीवन का प्राण तत्व मानकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी, तो बहुत सारी बातें तो विधायक जी के साथ हुई, लेकिन अंत में उन्होंने बोला कि प्राण तत्व मानकर हम कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा ही जन जन को मानना पड़ेगा, और जैसे आपने बताया कि वैश्विक राम यानी विश्व के राजा राम प्रभु राम ही होंगे, तो आने वाले दिनों में विश्व को भी आदर्श मानना होगा। संवाद टीवी के वंदन कार्यक्रम में अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं, आपने भी कार्य सेवा की है, आपने भी अगर आंदोलन में सहभागिता की है, तो हमसे संपर्क करिए, आपको देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम हमारा होगा।